किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसको किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए कैसे मालूम करते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मंदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले आपने क्या पढ़ना है, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। फिर आपने क्या पढ़ना है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। फिर आपने क्या पढ़ना है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो पहले हम क्या बात करते हैं कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। देखो मैं आपको बताऊँ, जब आप पढ़ोगे ना आगे तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस की आगे तो दो थ्योरी होती हैं। एक होती है, मतलब मेन दो थ्योरी होती है केमिकल रिएक्शंस की। एक थ्योरी तो ये कहती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो आपस में टकराएंगे और तब रिएक्शन होएगी। क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और तभी क्या पॉसिबल है रिएक्शन, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं होएगी। नहीं आपको ठीक है, आप इसको ऐसे मानो कि जैसे कि मान लिया रिएक्शन को आप लड़ाई की तरह कंसिडर कर लो। कैसे लड़ाई की तरह, तो अगर दो गंजे इंसान एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर मान लिया उनमें टक्कर हो जाए हल्की फुल्की तो उनमें लड़ाई नहीं होगी। वो बोल कोई बात नहीं भाई, तूने देखा नहीं, मैंने भी देखा, समझे बात। लेकिन दो गंजे भागे आ रहे हैं और उनमें टक्कर हो जाए तो उनमें लड़ाई शुरू हो जाएगी। जैसे दो कारें, जैसे भाई दो कारें होती हैं, अगर वो आराम से टकराएंगी तो इतना नुकसान नहीं होएगा भाई, उनमें कोई टूट फूट नहीं होएगी। या उनके जो ओनर हैं उनमें लड़ाई शुरू, ऐसे रोड रेज को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा ना, अगर दो कारें बहुत जल्दी फास्ट टकराएंगी तो उनमें नुकसान बहुत, उसको आप मानो रिएक्शन की तरह। तो सिमिलरली अगर दो रिएक्टेंट बहुत ताकत से टकराएंगे तो क्या होगी, रिएक्शन शुरू, नहीं तो रिएक्शन शुरू नहीं होएगी। तो एक कम से कम एनर्जी होती है, तो मान लिया एक तो ये होता है नहीं आपको, तो इसको हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। आप आगे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेंगे आपको आगे। तो मान लिया ये तो क्या है, एवरेज एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। ये तो क्या है, पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल। लेकिन इस एनर्जी से टक्कर मारने पर रिएक्शन नहीं होगी, समझे बात। तो ये हमारे पास क्या है, जितनी एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए भाई ताकि टक्कर क्या कर सके, रिएक्शन कैरी आउट कर सके। तो इसको बोलते हैं एनर्जी एक्चुअली पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल। नहीं आपको, ये है रिएक्टेंट की, बताओ किसकी है, प्रोडक्ट की। और ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है बताओ, जो एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम होनी चाहिए ताकि रिएक्शन हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये क्या हमारे पास, एनर्जी एक्चुअली पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। तो इनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं आपको, तो ये तो होता है कोलिजन थ्योरी के अंदर। ये तो क्या होता हमारे पास, कोलिजन थ्योरी के अंदर आगे आपको। और जो हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास थ्योरी और भी होती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको, ये कहता कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट, मान लिया हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए और एक हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट बी है। तो ये जो दोनों रिएक्टेंट नहीं है, आपस में सीधे क्या नहीं बनाएंगे प्रोडक्ट, पहले क्या बनाएंगे, एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स, इन दोनों की असेंबली बनेगी एक, और उस असेंबली की एनर्जी ज़्यादा होगी ए की एनर्जी से भी, और एनर्जी से भी ज़्यादा होगी भाई। नहीं है आपको, उसे हम क्या बोले, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो मान लिया ये तो एनर्जी क्या हमारे पास ए बी की, और इन्होंने मिलके पहले क्या बनाया, ए प्लस बी ने मिलके बताओ पहले क्या बनाया है, सी। और ए सी बताओ फिर किसमें कन्वर्ट होएगा, इनटू प्रोडक्ट। तो सी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं है,
वो सीधे नहीं बनाएंगे प्रोडक्ट, उनमें बॉन्ड वीक होने लग जाएंगे, क्या उनमें बॉन्ड वीक होने लग जाएंगे भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, और उससे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बताओ क्या बनेगा, एक्टिवेटेड, मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल में इसके अंदर बॉन्ड वीक होने शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर बॉन्ड वीक होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपस में इनके अंदर अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, तो इन दोनों की असेंबली बन जाएगी, उसे हम क्या बोले, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे उसको, समझे बात, और इसकी एनर्जी क्या सबसे ज़्यादा होती है, किससे, दोनों ही रिएक्टेंट से, नहीं आपको, तो यहाँ भी वही बात है, तो आप कोई भी थ्योरी मान लो, हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहे कोलिजन करें चाहे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएं, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या होती है, कोलिजन करने के लिए भी एक मिनिमम एनर्जी चाहिएगी, तभी तो रिएक्शन होएगी, ताकि कोलिजन क्या हो जाए, इफेक्टिव, वो रिएक्शन कैरी आउट कर सके, और अगर मान लें हम क्या बोलें कि ना क्या बने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्या बने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, उसको बनाने के लिए एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट के मुकाबले क्या होता है, हायर एनर्जी का, तो एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो कोई भी थ्योरी ले लो आप, चाहे कोलिजन के थ्रू चाहे एक्टिवेशन के थ्रू, चाहे हम क्या मान लें, चाहे कोलिजन थ्रू रिएक्शन करवाओ, चाहे भाई रिएक्टेंट मोलिक्यूल क्या बनाओ पहले, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उन दोनों में क्या चाहिएगी आपको, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है इसकी, समझे, इसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलेंगे इसको, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो एनर्जी, व्हाट इज दिस एनर्जी, एवरेज एनर्जी एक्चुअली पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है, एनर्जी, मिनिमम एनर्जी दैट इज नीडेड टू कैरी आउट द रिएक्शन, समझे बात, तो डिफरेंस क्या होता है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस दिस, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, आया फॉर्मूला, तो इसको ई ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एक्टिवेशन क्या होती है बताओ, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी एक्चुअली पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल, समझे बात, तो जब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं होएगा ना, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट नहीं होएगा इनटू प्रोडक्ट, नहीं तो कहनी है आपको, अब सवाल पता है यहाँ पर क्या आता है, सवाल यहाँ पर ये आता है भाई कि ये बैरियर के वजह से, अब आप, मैं आपको एक सिंपल सेंस में बताऊंगा कि रिएक्शन फास्ट होएगी कि स्लो होएगी, रेट पे क्या असर पड़ेगा बैरियर का, हल्का फुल्का, भाई अब थोड़ा हम नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी की मैथमेटिकली ये कैसे काम करती है, तो आप आगे पढ़ाएंगे, मैथमेटिकली ये कैसे डिक्टेट करती है वो तो आपको आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल मैं आपको बिना इसके बताऊंगा भाई कि बैरियर अगर एक्टिव एनर्जी बढ़ जाए तो रेट पे क्या असर पड़ना चाहिए बिना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के, ओके ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है, नहीं आपको पहले पड़ी, ये पहाड़ आप मानो 100 मीटर ऊंचा है और ये पहाड़ आप मानो सिर्फ 30 मीटर ऊंचा है, कितना, ये 100 मीटर ऊंचा और ये क्या भाई 30 मीटर ऊंचा है, ये बैरियर पहाड़ की तरह है, और यहाँ पर क्या है मान लिया, यहाँ पर भाई भंडारा लगा हुआ है, क्या लगा यहाँ पर भंडारा, भाई बढ़िया भंडारा, बढ़िया सब्जी पूरी की तीन, ओके सब्जी है, पूरी है, साथ में भाई खीर भी है, बता आपको पहले पड़ गई, ओके तो और यहाँ पर ये मानो 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर खेल रहे हैं, यहाँ पर ये क्रिकेट का मैदान है और यहाँ भी क्या है क्रिकेट का मैदान है, 100 स्टूडेंट यहाँ खेल रहे हैं और 100 स्टूडेंट यहाँ खेल रहे हैं, ओके तो आप मुझे बताओ खेलने के बाद इनको भूख लगेगी ना, इन्होंने किसी ने बोल दिया कि पहाड़ के उस साइड भंडारा है, इनको भी क्या बोल दिया पहाड़ के उस साइड क्या है भंडारा है, ओके बताओ आपको पहले पड़ गई, ठीक है ये पहाड़ कितना ऊंचा है 30 मीटर, वो पहाड़ कितना ऊंचा भाई, लेकिन ये थोड़ा मतलब दोनों पहाड़ थोड़े उबड़ खाबड़ हैं, नहीं समझे बात, इनको चढ़ना इतना आसान नहीं है, बल्कि मानो इसको मान लो 300 मीटर, कितना नहीं आपको, और इसको मान लो आप 1000 मीटर मान लो, अगर आपको तो कितना बड़ा ये 1000 मीटर ऊंचा पहाड़ है, समझे बात,
हाँ ऊपर। तो आप मुझे ये बताओ, ये पहाड़ सिर्फ 300 मीटर ऊंचा है ना, ठीक है। तो यहाँ से तो आपने देखना है कि पर आवर कितने स्टूडेंट यहाँ पर आपको जिम पे मिले। तो 1 घंटे बाद जितने स्टूडेंट आपको यहाँ पर जिम पे मिलेंगे, जिम पे मतलब खाना खाते मिलेंगे, इसका मतलब पहले आवर में इतने स्टूडेंट यहाँ से क्रॉस कर गए, नहीं है आपको मतलब उतने स्टूडेंट यहाँ से क्या कर गए, हम यही तो बोलेंगे, नहीं है आपको। ओके, तो आप मुझे ये बताओगे कि यहाँ पर तो यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट हैं आपको 1 घंटे बाद कि यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, और ये मानो स्टूडेंट एक सी पावर के, एक सी स्ट्रेंथ के हैं, यहाँ पर मिलेंगे ज़्यादा, क्यों भाई? यहाँ पर मान ले भाई 100 में से 40 स्टूडेंट यहाँ पर खाना खाते मिले आपको 1 घंटे बाद, यहाँ पर सिर्फ ये मान लो 5 स्टूडेंट ही खाना खा रहे हैं, ऐसा क्या होगा? यहाँ पर तो पहले 1 घंटे में सिर्फ 5 स्टूडेंट ही क्रॉस कर पाए, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 5 स्टूडेंट्स पर आवर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 स्टूडेंट्स पर आवर। वजह क्या है इसकी? तो यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसफर, रेट ऑफ स्टूडेंट ट्रांसफर फास्टर यहाँ है कि वहाँ है? यहाँ फास्टर क्यों बताइयो भाई? यहाँ पर पहाड़ नीचा है तो स्टूडेंट्स को इतनी परेशानी नहीं आएगी, तो जो भाई थोड़ा वेल बिल्ड स्टूडेंट हैं वो थोड़ा फटाफट यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे, नहीं आपको? यहाँ पर तो वेल बिल्ड वो भी क्रॉस कर जाएंगे, और जो ठीक ठाक हेल्थ के हैं वो भी क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ पर 40 पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर पहाड़ बहुत ऊँचा है ना, तो यहाँ पहले घंटे में सिर्फ कौन क्रॉस कर पाएगा? जो बहुत ज़्यादा वेल बिल्ट है, जो बहुत ही क्या है, एथलेटिक स्टूडेंट्स, इजंट इट? कोई लड़की बहुत मोटी ताजी है तो वो तो भाई इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, कोई लड़की दुबली पतली फुर्तीली है तो वो तो यहाँ से इजिली क्रॉस कर जाएगी भाई, नहीं आपको? तो बिल्कुल छिपकली की तरह यहाँ पर चढ़ जाएगी पहाड़ पे और यहाँ उतर जाएगी, बात आपको पले पड़ रही है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पले पड़ गया कि अगर ये बैरियर ऊंचा हो जाएगा तो स्टूडेंट ट्रांसफर की रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, बैरियर नीचा हो जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना, तो ट्रांसफर क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो हम समझ गए भाई, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे भी हो करना चाहिए, बताओ ये घटे तो क्या होना चाहिए, आया हमारे दिमाग में, क्या लग रहा है हमको, घटे तो क्या होना चाहिए, रेट बढ़नी चाहिए, और बढ़े तो बैरियर रेट घटनी चाहिए, आसान है कि मुश्किल है? और ऐसा ही होता है क्या, जितना ये बैरियर कम होगा ना उतना रेट क्या आएगी, फास्टर, आसान है कि मुश्किल है? उपकार, ठीक है समझ गया। अब और बताओ भाई, हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब आप देखो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कैसे बिहेव करेगी, तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊं सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्या भाई, सिंगल स्टेप रिएक्शन में, ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या, बताओ भाई, रिएक्टेंट की एनर्जी। अच्छा यहाँ पर दो केस होंगे हमेशा, एक होगी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमारे पास क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बात। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जहां पर हीट निकले, जैसे आप जब बम जब भाई आप बॉम्ब जलाते हो दिवाली के पास, तो उसमें से हीट निकलती नहीं क्या, तो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नहीं बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। वैसे कई रिएक्शंस को कैरी आउट करने क्या करना पड़ता है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वर्टिकली क्या है एनर्जी, तो मैं आपको बताऊं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, क्या एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बताओ बैरियर कैसा होएगा, ऐसा होएगा भाई, ये तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिएक्शन प्रोफाइल, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, रिएक्टेंट ज्यादा, ये क्या कम होगी ना, तो जिस दिन ज्यादा मान लिया तो ये हो, इसको बोलते हैं डेल्टा एच, यानी ये हीट निकल जाएगी, क्या होगी, ये हीट वही निकल जाएगी, नहीं आपको? तो इसको तो बोलते हैं इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं, तो ये नेगेटिव आएगी ना, क्यों वही, क्योंकि इसमें से आप ये घटाओगे तो ये कम है, ये एनर्जी क्या है, ज्यादा, तो कम में से ज्यादा घटाएंगे क्या हुआ, नेगेटिव आएगा, तो एनर्जी निकले तो क्या होगी, नेगेटिव। और एंडोथर्मिक क्या होती है, एंडोथर्मिक बताओ, ये ऐसी हो जाएगी, नहीं है आपको? तो आप ये बताओ, अगर मैं कहता हूँ भाई
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या, नहीं मान लिया बस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या मेरे पास है? तो अगर मैं रिएक्टेंट से कहा देता हूँ प्रोडक्ट, तो मेरे पास ये बैरियर होगा ना, क्या मेरे पास ये बैरियर होगा भाई, और ये क्या होगी मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पर तो एक ही स्टेप है ना, एक ही स्टेप होगा, ये बैरियर बढ़ेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, बैरियर घटेगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। आगे आपको अच्छा बैक को आपसे पूछ ले कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या, अगर मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ तो बैरियर ही होगा, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ हूँ तो अगर हम जो क्या हमारा प्रोडक्ट उससे वापस क्या बनाना चाहिए रिएक्टेंट, तब बताओ क्या होगा, तब भाई आपको यहाँ से यहाँ पर आओगे तब एनर्जी क्या लगेगी, दिस प्लस दिस। तो क्या बोले आपसे कोई कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड की तो क्या होगी बैरियर कम होगी, बैकवर्ड बैरियर क्या आएगा शायद आएगा नहीं आपको, एंडोथर्मिक में क्या होता है फॉरवर्ड का बैरियर क्या आएगा ज़्यादा आएगा, बैकवर्ड बैरियर क्या आएगा कम आएगा नहीं आपको बताओ, बैकवर्ड में यहाँ पर क्या होगा, बैकवर्ड में तो क्या होगा फॉरवर्ड का बैरियर और इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये तो क्या फॉरवर्ड का बैरियर और ये क्या है दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा बैकवर्ड का बैरियर। अब करा गया आपको ये ठीक। अच्छा ये तुम्हारे पास क्या था सिंगल स्टेप रिएक्शन में एनर्जी बैरियर की बात, ये तुम्हारे पास थी भाई सिंगल स्टेप रिएक्शंस में एनर्जी बैरियर की बात थी। अब अगर हमारे पास क्या हो मल्टी स्टेप रिएक्शंस, मतलब जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं ठीक है, मतलब पहले हमारे पास क्या बनाएंगे बताओ, यहाँ हमारे पास क्या मान लिया रिएक्टेंट है क्या हमारे पास, तो वो सिद्ध क्या नहीं बनाएगा प्रोडक्ट, पहले वो क्या बनाएगा बताओ हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, नहीं बताओ आपको पले पड़ी ठीक है, पहले आर ने क्या बनाया आप इसको ऐसे मानो, तो इनका मतलब बैरियर क्या होगा इनमें हमारे पास ऐसे आएगा, मतलब चलो मैं मानते हैं कि आर से ये कॉम्प्लेक्स नहीं बने, कॉम्प्लेक्स नहीं मानो, आर से हमारे पास क्या बना क्यू, और क्यू से बताओ क्या बना हमारे पास आर, और ये हमारे क्या बन गया हमारे पास पी आर क्यू पी ओके। तो ये मानो ये कोई ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हमारे पास एक मोलिक्यूल है, एक्चुअल मोलिक्यूल है क्या हमारे पास, ये एक्चुअल मोलिक्यूल है ये, नहीं समझे बात, तो इससे ये बनने में क्या बना होगा बैरियर, तो इससे इसका बैरियर होगा, इससे क्या होगा इसका बैरियर होगा, तो ये रिएक्शन ऐसी होगी हमारे पास, ये रिएक्शन हमारे पास ऐसी हो जाएगी, नहीं बात आपको पले पड़ी। तो ये तो कौन यहाँ पर तो एनर्जी किसकी है आर की, यहाँ एनर्जी तो किसकी हमारे पास क्यू की, और यहाँ तो किसकी हमारे पास पी की, नहीं है आपको बोलो भाई, तो आर से क्यू बनने का बैरियर तो कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला होगा, ये मेरे पास क्या होगा आर से क्यू बनने का पहले स्टेप का बैरियर कौन सा होगा ये वाला, और सेकंड स्टेप का बताओ मेरे पास बताओ बैरियर क्या होगा ये वाला आएगा, नहीं रहा आपको ये, अरे बोलो भाई बताओ सेकंड स्टेप का हमारे पास बताओ कौन सा बैरियर आएगा, कहाँ पर गया मैं इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ भाई, ठीक है तो यहां बताओ पहले ज्यादा कौन है यहां पर, अब मान ले अरे भाई आप ही मानो, मान ले यहां पर ये क्या है E1 और ये बताओ हमारे पास क्या है E2, तो पहले स्टेप का बैरियर क्या मेरे पास ये है, और दूसरा तो मेरे पास बैरियर क्या है ये वाला है, तो जिस स्टेप का सबसे ज्यादा क्या होता है बैरियर उसी को हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगा हमारा स्लोएस्ट स्टेप, क्या होगा हमारा, और स्लोएस्ट स्टेप ही क्या देगा आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देगा आपको भाई, नहीं आपको। तो यहां पर अगर मैं ये कहता हूं मान लिया हमारे पास ये ऐसे हो, तो यहां पर इसका बैरियर क्या बताओ भाई, ये बैरियर ज्यादा है कि ये बैरियर ज्यादा है, तो यहां पर सेकंड स्टेप क्या होगा यानी क्या उसे पी बनना क्या होगा हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप, क्या उसे पी बनना हमारे पास क्या होगा स्लोएस्ट स्टेप, और अगर ये ऐसा होता तो बताओ हमारे पास ऐसा होता तो ये
है वो तो क्या हो तुम्हारे पास, अब ज्यादा कौन सा है और ई टू क्या है कम, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास कौन सा भाई ए वन, यहां पर क्या है हमारे पास स्लो स्टेप आएगा नहीं आपको। और मैं आपको बताऊं जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना भाई, क्योंकि यहां पर बैरियर ज्यादा किसका है कि आर से क्यों बनेगा बैरियर ज्यादा है, क्यों से पी बने बैरियर क्या है कम है, तो यहां पर रेट को कौन करेगा डिक्टेट, ये वाला स्टेप आर से क्यों बनना, मतलब जो आर से क्यों बनने की रेट होगी ना वही क्या होगी ओवरऑल रिएक्शन की रेट। आप कहोगे वाई 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 हाउ 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 स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों होता है, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है। स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज दी रेट कंट्रोलिंग और डिक्टेटिंग और गवर्निंग स्टेप। आप कहोगे वाई, आप इसको दोबारा से एक भंडारे का एग्जांपल लेके समझो भाई, ठीक है। तो भंडारे के सक्सेसफुल होने के पीछे कई सारे फैक्टर हैं कि हलवाई कितने बुला रखे हैं, कितनी पब्लिक खाना खाने आती है, सर्व करने वाले कितने हैं, नहीं मैं तो आपको पले पड़ी, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई, ये मानो पब्लिक खूब सारी आ रखी है, यानी खूब सारी पब्लिक खाना खाने को आ रखी है भाई, नहीं रखा आपको, पब्लिक बहुत सारी आ रखी है भाई, सर्व करने वाले भी बहुत सारे हैं, कोई 20-25 बंदे हैं जो भाई सब्जी पूरी सर्व कर सकते हैं, पब्लिक बहुत सारी है, सामान भी बहुत सारा है, क्या बहुत सारा भाई, क्या बोलते हैं घी है मैदा है चीनी है भाई आटा है सब कुछ लेके आ रखा है, सामान की कमी नहीं है, ओके। लेकिन आप ये मानो हलवाई एक बस और उसका एक ही क्या है हेल्पर, अब एक हलवाई पूरे गांव को तो खाना उस सप्ताह उस रफ्तार से वो तो पूरियां उतार नहीं सकता ना, नहीं समझे बात, तो पूरियों तो बाकी सारे काम फास्ट होंगे बेशक, वो भाग दौड़ करते रहे कौन, वो कहेंगे भाई सर्व करने वाले वहां सब्जी मांग रहे हैं पूरी मांग रहे हैं फटाफट, लेकिन वो सब्जी ले नहीं जा पाएंगे कि हलवाई क्या बोलेगा मैं मेरे पास तो ये बना है ये ले जाए भाई, नहीं बता आपको पले पड़ी। तो जिस रफ्तार से हलवाई क्या बनाएगा पूरी तैयार कर रहा है, ओवरऑल भंडारे की रेट उसी बात से डिपेंड करेगी, भंडारा फेल ही माना जाएगा, क्यों माना जाएगा, हालांकि बाकी सारे बंदोबस्त क्या थे बढ़िया थे ना, क्योंकि हलवाई एक था रे कि उसका हेल्पर था, तो वो उस रफ्तार से पूरी नहीं बना पा रहे जिस रफ्तार से भाई बनानी उसने चाहिए थी ताकि भाई पूरा गांव खाना खास के बात आपको पले पड़ी। तो ओवरऑल जो सर्व होएगा लोगों को खाना, जितने लोग खाना खाएंगे जितने लोग सर्व करेंगे वो सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वहां पर हलवाई के ऊपर भाई, नहीं बात आपको पले पड़ी। तो जिस स्टेप से पूरियां बनेंगी उसी स्टेप से सर्व होएगा, उसी स्टेप से जब बेशक उनकी एबिलिटी ज्यादा है ज्यादा सर्व करने की है लेकिन जब सर्व कर नहीं पाएंगे वह आपको पले पड़ी। तो स्लोएस्ट स्टेप जो है पूरे भंडारे में वो है पूरियों का बनना, और उसी रफ्तार से क्या हुआ फिर सर्व होएगा, क्यों भाई क्यों खड़े रहेंगे वो पूरी लेने वाले सर्व करने वाले सब्जी, अरे वो बाल्टी और वाले वो खड़े रहेंगे वो, उनको वो सब्जी मिले तो नहीं गई पूरी, नहीं समझे बात, लोग बैठे रहे खाना खाने के लिए उनको खाना मिले तो नहीं गा, लोगों के खाना खाने की रेट भी सर्व करने की रेट भी सब कुछ किसके बराबर होएगी, हलवाई ने जिस रफ्तार से पूरियां तैयार की मेरे ख्याल से बात आपको पहले पड़ गई। तो स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आ गया आपको। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।